अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइट क्लिनिक बाय महनूर उबैद। मैं लेकर आई हूँ आज सर्दियों की सबसे इम्पॉर्टेंट डिश की रेसिपी, यानी सूप की रेसिपी। जैसे सर्दियाँ आती हैं, सबसे पहले इंसान को सूप याद आता है। तो चले चलते हैं हमारे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स की तरफ, ताकि हम जल्दी जल्दी रेसिपी बनाएं और जल्दी जल्दी सर्दियों को खुशामदीद कहें। हम बेसिक इंग्रेडिएंट से बहुत ही टेस्टी और यमी सूप बनाएंगे। हमें चाहिए कैरेट, कैप्सिकम, बंद गोभी, एक अंडा, अदरक लहसुन कुटा हुआ, और एक कप चाहिए हमें चिकन बोन्स के साथ। इसमें बोनलेस चिकन नहीं चाहिएगा, आपने बोन्स के साथ चिकन लेना है। और साथ में लेंगे हम कॉर्नफ्लोर का एक टेबलस्पून। जितने बेसिक और सिंपल इंग्रेडिएंट्स, उतनी ही सिंपल प्रिपरेशन है। एक आप पतीला ले लेंगे, उसमें ले लेना है तकरीबन एक लीटर पानी। उसमें हमने अपना चिकन डाल देना है, साथ हमने डाल देना है इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक लीमू काट के, और एक इंच का अदरक। इन सब चीज़ों को हमने पकाना है तब तक जब तक चिकन गल ना जाए। ये पक जाएगा, चिकन गल जाएगा, तो इसमें से हम चिकन के पीसेस सेपरेट कर लेंगे, प्याज निकाल लेंगे, सब कुछ इसमें से निकाल लेंगे। चिकन को हम रेशे कर लेंगे और बाकी चीज़ें हम डिस्पोज कर देंगे। अपनी यखनी को साइड पर कर लेंगे। एक पतीले में लेंगे एक टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का, उसमें डालेंगे हम अपना कुटा हुआ अदरक और लहसुन। इसे हम कुक करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, देन हम इसमें ऐड कर देंगे अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स। इसमें डालेंगे हम गाजर और शिमला मिर्च। इसे कुक करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक के लिए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपना ब्रोथ, यानी जो हमने यखनी पहले बनाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सारी यखनी इसमें ऐड करने के बाद हम यखनी को पकाएंगे 10 से 12 मिनट तक के लिए। अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपना रेशे किया हुआ चिकन और बंद गोभी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मज़ीद हम इसे 5 से 8 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने स्पाइसेस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और वाइट पेपर। हस्ब जायका इसमें ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो ऐड कर लें, नहीं चाहते तो ना ऐड करें, इसमें कोई मसला नहीं है। सूप हमारा रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे एक बीटन एग। फ़ौरन डाल के हिलाने नहीं लग जाना, इसको थोड़ा स्टे देना है ताकि अंडा एक दफ़ा पक जाए और फिर आप इसको मिक्स करें, वरना अंडा अंदर से गायब हो जाएगा, वो बिल्कुल अंदर मिक्स हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता अंडा डालने के बाद 5 तक काउंट करें और फिर इसको मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे अपना लास्ट इंग्रेडिएंट, यानी कि कॉर्नफ्लावर। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून पानी में मिक्स करें और इसमें डाल के फटाफट हिलाएं, वरना इसके लम्प्स बन जाएंगे और हम अपने सूप्स में लम्प्स बिल्कुल नहीं चाहते। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक के लिए कुक करेंगे और हमारा सूप रेडी है। इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में और गरम गरम सर्व करेंगे। प्रोटीन और फाइबर रिच रेसिपी है, आपको पता है सर्दियों में कितना अच्छा होता है, वार्मथ प्रोवाइड करता है, नज़ले ज़ुकाम से बचाता है। ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली में सबको बिलाएं, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबके लिए इक्वली इफ़ेक्टिव है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करके बताएं आपको कैसी लगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे इंशाल्लाह मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।